भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को तिल चतुर्थी, माघी चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान गणेश जी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। चतुर्थी तो वैसे प्रत्येक महीने में आती है। शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे विनायकी या वरत चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। वहीं कृष्ण पक्ष में आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। लेकिन माघ माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी आती है उसे तिल चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इसे बड़ी चतुर्थी माना गया है और इस दिन चतुर्थी माता के साथ में भगवान गणेश जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। चंद्रमा उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और संतान की लंबी आयु के लिए, जीवन में उन्नति तथा प्रगति के लिए, धन धान्य की प्राप्ति के लिए तथा जीवन के सारे कष्ट और संकट की समाप्ति के लिए चतुर्थी का व्रत तथा पूजन अर्चन किया जाता है। इस बार माघी चतुर्थी 31 जनवरी 2021 रविवार को है और चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ होगा, जो चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी रहेगी, वो 31 जनवरी को रात्रि 8:24 पर चतुर्थी तिथि लग जाएगी और अगले दिन यानी 1 तारीख को शाम को 6:24 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। वैसे जो चतुर्थी का व्रत होता है वो चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी का ही व्रत करना चाहिए। इसलिए यदि आप तिल चतुर्थी, माघी चतुर्थी और तिलकुट चतुर्थी का व्रत करने जा रहे हैं तो आपको 31 जनवरी 2021 रविवार के दिन ही चतुर्थी का व्रत करना चाहिए और इसी दिन प्रातः काल जैसे ही सूर्योदय होगा वैसे ही व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जो कि चंद्रोदय तक निरंतर व्रत चलेगा। इस व्रत को निर्जला या निराहार भी किया जाता है या फिर एक समय भोजन करके भी आप इस व्रत का पालन कर सकते हैं। जो मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, माघी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट और संकट नहीं आता है। यदि वह संतान की अपेक्षा रखता है तो उसे संतान प्राप्त हो जाएगी। यदि धन की इच्छा है तो उसे धन मिल जाएगा। यदि उसके जीवन में सुख प्राप्ति करना चाहता है तो उसे सुख भी प्राप्त हो जाएगा। तो आज हम आपको तिल चतुर्थी की दिव्य कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। 31 जनवरी को आपको तिल चतुर्थी का व्रत करना है और रात्रि को ठीक 9 बजे चंद्रमा का उदय होगा। उस समय चंद्रमा को अर्घ देकर ही आपको व्रत का समापन करना चाहिए यानी व्रत का पारणा करना चाहिए। 31 जनवरी 2021 रविवार के दिन प्रातः जल्दी स्नान करके सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद आपको व्रत का प्रारंभ कर देना चाहिए। पूरे दिन आपको निर्जला निराहार व्रत करना चाहिए। यदि गर्भवती माताएं हैं तो वो फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकती है। यदि किसी के घर में जन्म या मृत्यु का सूतक लग गया है तो उनको भी व्रत तो करना चाहिए, लेकिन पूजन आदि सूतक के दौरान संपन्न नहीं किए जाते हैं। और यदि आप किसी कारण से रोगी है या बीमार है तो आप फलाहार करके भी इस व्रत का पालन कर सकते हैं। साथ ही व्रत जो करता है उसको जो है उस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए और घर आए हुए याचक या मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए तथा इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जो मनुष्य व्रत करता है उनके घर में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इस दिन शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करना चाहिए तथा शाम के समय जब सूर्यास्त हो उस समय स्नान करके भगवान गणेश जी का, माता पार्वती का, शंकर जी का, कलश का पूजन अर्चन करके उसके बाद आपको कथा का श्रवण करना चाहिए
तथा इसके पश्चात आपको जब चंद्रोदय होगा यानी रात को ठीक 9 बजे चंद्रमा का उदय होगा, उस समय आपको तांबे या पीतल के लोटे में जल दूध शक्कर डाल करके भगवान चंद्रमा का पूजन करके और उनको अर्घ अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, वैभव आएगा, धन धान्य आएगा, आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी तथा भगवान चंद्रमा की कृपा तो होगी, इसके साथ ही चौथ माता एवं भगवान गणेश जी की भी अपार कृपा आपके जीवन पर बरसने लगेगी। और धूप दीप नैवेद्य तिल लड्डू शकरकंद अमरूद गुड़ और घी भगवान को अर्पित करना चाहिए। पूजन के बाद ही आपको भगवान को शुद्ध नैवेद्यम अर्पित करके यानी जो आपने भोजन सामग्री तैयार की है उसका भोग लगाने के पश्चात आपको जो है व्रत का पारणा करना चाहिए। इस प्रकार आप व्रत का पालन करेंगे तो निश्चित तौर से आपके ऊपर भगवान गणेश जी की रिद्धि सिद्धि की और चौथ माता की अपार कृपा बरसेगी और आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो अब हम आपको चौथ माता की तिल चौथ की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, चौथ माता की जय। सर्व विघ्न विनाशाय सर्व कल्याण हेतवे श्री पार्वती प्रिय पुत्राय श्री गणेशाय वयम नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो विनायकः। धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठेच्छणु यादपि। इस प्रकार भगवान गणेश जी का आह्वान करें, उनका स्मरण करना चाहिए और भगवान गणेश जी से प्रार्थना करना चाहिए। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, चौथ माता की जय। पुराणों में बताया गया है कि सकट चौथ के दिन गणेश भगवान के जीवन पर आया सबसे बड़ा संकट टल गया था, इसलिए इसका नाम संकष्टि चतुर्थी पड़ा। इसके पीछे एक कथा आती है कि एक बार माता पार्वती जी स्नान करने गई और स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए द्वार के बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव जी माता पार्वती से मिलने के लिए आए, लेकिन गणेश जी ने उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि अभी माता स्नान कर रही है, जब माता स्नान कर लेगी तभी मैं आपको अंदर प्रवेश करने दूंगा। भगवान शंकर जी इस बात को सुनकर के बेहद दुखी हो गए और अपने आप को अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने भगवान गणेश जी के ऊपर त्रिशूल से वार कर दिया, जिससे गणेश जी की गर्दन जो है उनके धड़ से अलग होकर के दूर जाकर के गिरी। स्नान घर के बाहर जैसे ही शोरगुल सुना तो माता पार्वती बाहर आई और उन्होंने देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देख करके वो जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने शिव जी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस आप प्रदान कर दीजिए। इस पर शिव जी ने एक हाथी का सिर लेकर के गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश जी को दूसरा जीवन प्राप्त हुआ। तभी से गणेश जी की हाथी की तरह सुंड होने लगी और उन्हें गजानन कहा गया। तभी से महिलाएं अपने बच्चों की अपनी संतान की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का व्रत करने लगी। माघी तिल चतुर्थी की जो अन्य कथा आती है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने पूछा कि हे वत्स हे गणेश जी, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका क्या नाम है, उस दिन इस पूजा में किस वस्तु का नैवेद्यम अर्पित करना चाहिए और क्या भोजन करना चाहिए, आप इसे विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें।
गणेश जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे माता, माघ माह में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना करके 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाएं और शेष 5 लड्डू ब्राह्मण को दान करना चाहिए। ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के पश्चात उन 5 लड्डुओं को ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे माता, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में आपको एक राजा हरिश्चंद्र की कथा मैं सुनाने जा रहा हूं, आप कृपा करके ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन समय की बात है, सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुए थे। वह क्षत्रिय धर्म में पटु सरल स्वभाव के थे, सत्यनिष्ठ थे और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित एवं दीर्घायु जीवन व्यतीत करते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण निवास करते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का पालन पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का विधिवत पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मण ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया था। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की मूर्ति बना करके सदैव पूजन अर्चन किया करती थी। हे माता पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उसने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच में उसका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांध करके स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़ करके अपने आओं से छोड़ करके मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्ची को ढूंढने लगी। उसे न पा करके वह बड़ी व्याकुल हो गई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी से प्रार्थना करने लगी। हे गणेश जी महाराज, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली के सरदस कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक जी, आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में अति व्यथित हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इस प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आंव को खोला तो देखा तो उसके जांग भर पानी जमा हुआ पाया। इसमें उसे देख करके आश्चर्य हुआ। तब हुआ कि उसमें बैठे हुए खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देख करके वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में जाकर के दे दी। उसने राज्य सभा में अपने दुष्कर्म का वर्णन भी कर दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाबाहो, हे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूं। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाए और पकाने के लिए मैंने आंव में आग लगाई, परंतु मेरे बर्तन कभी भी पके नहीं, सदैव कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर के एक तांत्रिक से इसका कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आमा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं, जिसके बालक की बलि दूंगा वह मुझे क्यों जीवित छोड़ेगा। इसी भय से है महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसी बालक को बैठा करके आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीम मांग करके और याचना करके मांग मांग करके अपना और अपने पुत्र का गुजारा करती है। अरे, वह लड़के को लेकर के क्या करेगी। मैं यदि इसके पुत्र को बलि दे दूंगा तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस दुष्कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर के सो गया। प्रातः काल जब मैंने आमा खोल करके देखा तो मैं क्या देखता हूं, उस लड़के को मैं जिस स्थिति में बैठा करके वहां पर गया था वह उसी भाव से निर्भय होकर के बैठा था और मैंने देखा कि जांग भर करके वहां पर पानी भरा हुआ था
आपके स्थान पर पानी देख करके मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया और इस भयावह दृश्य को देख करके मैं कांप उठा और इसकी सूचना देने के लिए आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात को सुनकर के राजा विस्मित हो गए और उस लड़के को देखने के लिए वहां पर आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देख करके मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। अब इस आवे में जाओ भर करके जल कहां से आया है, इसमें कमल के फूल कहां से खिल गए हैं, इस दरिद्र कुमार के आवे में वैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहां से उग आई है। बालक को न तो आग जला पाई है न इसे भूख प्यास लगी है, इस आवे में वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा है। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वह ब्राह्मणी बिलकती हुई रोती हुई वहां पर आ पहुंची और कुम्हार को कोसने लगी, जोर जोर से चिल्लाने लगी। जिस प्रकार एक गाय अपने बछड़े को देख करके रंभाती है चिल्लाती है, उसी तरह उस बुढ़िया की स्थिति हो गई थी। वह बुढ़िया बालक को गोद में लेकर के प्यार करने लगी, कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा कि हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का कारण बता, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तंत्र मंत्र जानती है, अथवा तूने कोई धर्माचरण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई है। राजा की बात को सुनकर के ब्राह्मणी ने कहा कि हे महाराज, मैंने कोई जादू नहीं किया है, मैं कोई टोना टोटका नहीं जानती हूं, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती हूं। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूं और उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। ब्राह्मणी की बात को सुनकर के राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करे, इसमें मेरी पूर्ण सम्मति है। राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा कि हे पतिव्रते, तू धन्य है, राजा ने संपूर्ण नगर वासियों को संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत करने का आदेश दे दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र को पुनः जीवन प्राप्त करवाया था। इतना कहने के बाद भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम इस व्रत को कीजिए, इस व्रत के प्रभाव से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आप मित्रों पुत्रों और पोत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ माह के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत करके निष्कंटक राज्य को भोगने लगे। इस प्रकार तिल चौथ की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। अगली कथा जो आती है वह इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक शहर में देवरानी और जेठानी निवास करती थी। जेठानी बड़ी ही अमीर थी, धनवान थी और उसकी जो देवरानी थी वह गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काट करके लाता था और वह बेचा करता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था, लेकिन वह अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और इसके बदले में जेठानी के घर में बचा हुआ पुराना जो है कपड़ा या फिर बचा हुआ भोजन वह उसको दे देती थी और इसी से उसका परिवार चलता था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया और पांच आने का तिल व गुड़ लाकर के तिल कुट्टा बनाया, पूजा करके तिल चौथ की कथा और कहानी सुनी और तिल कुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुट्टा और उसके बाद वह कुछ खाएगी, यानी भगवान का पूजन अर्चन करके ही वह भोजन करेगी। कथा सुन करके वह जेठानी के यहाँ चली गई और भोजन बना करके जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले कि माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तो सब खाएंगे और सब खाएंगे तब मैं खाऊंगा। जेठानी ने भी इस प्रकार खाना नहीं खाया। अब देवरानी सारा काम करके अपने घर को जाने लगी और कहने लगी कि मैं कुछ खाना लेकर जाऊं, लेकिन जेठानी ने कहा कि अभी तक घर में किसी ने भी खाना नहीं खाया है, मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूं।
तुम सुबह सवेरे आना और बचा हुआ खाना लेकर के चले जाना। देवरानी अपने घर चली गई। देवरानी के घर पर पति और बच्चे आस लगा करके बैठे थे कि माता जब आएगी तो कुछ न कुछ खाने को लेकर आएगी, क्योंकि आज त्योहार का दिन है और घर में कुछ भी भोजन नहीं है, और निश्चित तौर पर जब हमारी माता आएगी तो कुछ न कुछ पकवान लेकर आएगी, आज तो पकवान हमें खाने को मिलेंगे। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करके भी तुम रोटी नहीं ला सकती हो तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर के पत्नी को कपड़े धोने के धोने से मारा, और धोना हाथ से छूट गया तो पटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर ही सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने मारी पाटे मारी सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूं कुछ जाग रही हूं। गणेश जी महाराज बोले भूख लगी है कुछ खाने को दो। देवरानी बोली क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का एक भी दाना नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना दे देती थी लेकिन आज उसने भी मुझे कुछ नहीं दिया है। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छीके में पड़ा हुआ है वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोने मारी पाटे मारी निमटाई लगी है कहां निमटे। वह बोले वह घर पड़ा है पूरा, जहां इच्छा हो निमट लो। फिर गणेश जी बच्चों की तरह बोले कि कहां पोछू। नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोली कि मेरे सर पर पोछो और कहां पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख करके हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे मोती जवाहरात से जगमगा रहा है। सिर पर विनायक जी पोछनी करने गए थे, वहां पर हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रही है। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी के बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेजा। जेठानी ने सोचा कि कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो माँ ने बुलाया है और सारा घर का काम पड़ा हुआ है। देवरानी ने जवाब दिया कि अब मुझे काम करने की जरूरत नहीं है, घर में सब भरा पूरा है, गणेश जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है। जेठानी के बच्चों ने घर जाकर के अपनी माँ को बताया कि चाची के पूरा घर में हीरे मोती भरे पड़े हैं। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ है। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ भी घटित हुआ था वह सब कुछ अपनी जेठानी को बताया। घर लौट करके जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने से और पाटे से मारो। उसका पति बोला भली मानस मैंने कभी तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया है, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी, मजबूरन पति को उसको मारना पड़ा और उसने ढेर सारा घी डाल करके चूरमा बनाया और छीके में रख करके वह सो गई। रात को चौथ विनायक जी के सपने में आए और कहने लगे कि भूख लगी है क्या खाऊं। जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज मेरी देवरानी के यहां तो आपने सूखा तिलकुट्टा ही खाया था, मैंने तो झड़ते हुए घी का चूरमा आपके लिए बनाया है और छीके में रख दिया है, फल और मेवे भी अच्छे अच्छे वहां पर रखे हैं, जो चाहे वह खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले कि हमने खा लिया है अब निपटे कहां पर। जेठानी बोली कि मेरी देवरानी के यहां तो आपने टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहां तो कंचन का महल है, जहां चाहे वहां निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा कि अब पोछू कहां। जेठानी बोली मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगा करके पोछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह सुबह जल्दी उठ गई, उसे लगा कि मेरा घर हीरे जवाहरात से भरा पड़ा होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा कि गणेश जी महाराज यह आपने क्या कर दिया है, मुझसे रूठे हुए और देवानी पर टूटे हो, यानी देवरानी का घर तो हीरे जवाहरात से आपने भर दिया और मेरे घर में गंदगी भर दी। जेठानी ने घर और अपने स्वयं की सफाई करने की बहुत कोशिश की लेकिन वह सफाई नहीं कर पा रही थी, पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। जेठानी के पति को मालूम हुआ तो उसको बहुत गुस्सा आया और बोला कि तेरे पास किसी चीज की कमी हुई थी क्या जो तूने इस प्रकार का कार्य किया है।
परेशान होकर के चौथ के गणेश जी से मदद करते हुए उसने प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, आपने क्या कर दिया है और मेरे द्वारा जो अपराध हुआ है, मेरे द्वारा जो गलती हो गई है, उसे आप क्षमा कीजिए। बारंबार उसने क्षमा प्रार्थना की। तब गणेश जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी माया को समेट लिया और जेठानी से कहा कि तेरे घर में जो कुछ भी है उसे आधा धन अपनी देवरानी को दे दे, और यदि नहीं देगी तो तेरा सब वैभव नष्ट हो जाएगा। तब उसने अपनी देवरानी को आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी थी। उसने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को नहीं बांटा और उसने कहा कि हे गणेश जी, अब तो बिखराव को समेटो। और वो बोले कि पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सही ताक में रखी हुई है, सुई के भी दो हिस्से कर दे। इस प्रकार गजानन बाल स्वरूप में आकर के सुई जैसी छोटी छोटी चीज का बंटवारा कर दिया और अपनी माया को उन्होंने समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की है वैसे सब पर कृपा करना। कहानी कहने वाले और सुनने वाले वह हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी सजा किसी को भी मत देना। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, चौथ माता की जय, अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकम रामकृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए गजानंद गणपति भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप कथा के निमित्त या फिर संकष्टी चतुर्थी के निमित्त दान पुण्य करना चाहते हैं, धन दान करना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, तिल का दान करना चाहते हैं, गुड़ का दान करना चाहते हैं, या ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या फिर कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं, तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके संकष्टी चतुर्थी का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।